प्राचीन काल भैरव मंदिर के महंत ने आज पत्रकार वार्ता कर 17 नवंबर को श्री काल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में योगदान करने वाले लोगों का शुक्रिया किया है। प्राचीन काल भैरव मंदिर के महंत रोमिल शर्मा ने कहा कि श्री काल भैरव अष्टमी को धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया और इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री काल भैरव जी का आशीर्वाद लिया। पंडित रोमिल शर्मा ने कहा कि इस आयोजन में विभिन्न विभागों, मीडिया कर्मियों और मंदिर के सेवादारों का बड़ा सहयोग रहा, जिसके लिए वे सभी का शुक्रिया करते हैं। काल भैरव जी की जय हो। आज भगवान श्री काल भैरव मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो प्रोग्राम श्री काल भैरव मंदिर में 6 नवंबर 2022 को शुरू हुए थे और 17 नवंबर को संपूर्ण हुए थे, भगवान काल भैरव जी की कृपा से बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे। हर साल की तरह इस साल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहे। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये धन्यवाद की रखी हुई है कि हम आज मंदिर के सभी सेवादार, पूरे मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि इनके सहयोग से लोगों के घर घर तक मैसेज आता है और भगवान काल भैरव जी की कृपा लोगों को बरसती है। लोग तन मन धन से यहाँ पे आते हैं और भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम पूरे डिपार्टमेंट्स का, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, पीडीडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हो गई और जितने भी डिपार्टमेंट का सहयोग हमें मिलता है उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और स्पेशल थैंक्स करते हैं हम डिपकॉम जी का और डीसी साहब जी का, जिन्होंने अपने सहयोग से ये भंडारा कामयाब कराया और हमें परमिशन वगैरह हर साल की तरह इस साल भी दी। तो भगवान काल भैरव जी से यही प्रार्थना करता हूं मैं, महंत रोमिल शर्मा, कि आने वाला साल उन पर अच्छा है और भगवान काल भैरव जी की कृपा उन पर बनी रहे। जय काल भैरव।